ठीक है भाई, how much I like हाँ भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? एक बार चेक करना, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? एक बार चेक करिएगा। हाँ सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, मैसेज इसमें क्यों नहीं आ रहा है सर? इसमें मैसेज क्यों नहीं आ रहा? लेट है, कुछ नेटवर्क इशू है। मुझे एक मिनट और दीजिएगा केवल। सुनो, मुझे बता दो कौन लोग हैं, मैकेनिकल वाले हो या सिविल वाले हो? मैकेनिकल वाले हैं या सिविल वाले हैं या दोनों? सर सिविल वाले भी हैं। दोनों हैं सर, मैकेनिकल सिविल दोनों है शायद, है ना? मैकेनिकल, केवल मैकेनिकल है ना? सुना सर सिविल भी है सर, सिविल भी है सर। हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। आप लोग चिर परिचित हो गए पहले से मुझसे, है ना? तो परिचय देने का कोई औचित्य नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सब्जेक्ट की बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, है ना? एक मिनट रुकिएगा, कुछ एक मिनट, उसका माइक ऑफ कर दीजिएगा सर। गुड इवनिंग सर। ये प्रॉब्लम बच्चों को तो नहीं जा रही होगी ना, दो आईडी में? आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो आप लोगों को आईडीज दिख रही होंगी तो विवेक श्रोले नाम से दो आईडी होंगी, है ना? तो आप देख लीजिएगा किसको पिन करना है ना, ठीक है? हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसका जो गेट में वेटेज है, जो गेट में वेटेज है वो लगभग 8 to 10 मार्क्स, इसका जो ईएससी में वेटेज है कन्वेंशनल में लगभग 40 to 60 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में लगभग 20 to 30 मार्क्स, ठीक? ईएससी में टोटल वेटेज 60 to 90 मार्क्स, कुछ ऐसा है, ठीक है? तो गेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और ईएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ईएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक? इसके अलावा बहुत सारे और भी फालतू एग्जाम हैं जो आप लोग देते रहते हो, जैसे स्टेट वगैरह के हैं, स्टेट पीएससी का है, एसएससी का है, रेलवे का है, बीएआरसी का है, आईएसआरओ का है, पीएसयू का है, उसके लिए भी एफएम इंपॉर्टेंट है, ठीक? उसके अलावा आप कभी इंटरव्यू वगैरह में बैठोगे, बीएआरसी या आईएसआरओ वगैरह के इंटरव्यू में बैठोगे तो एफएम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन जो डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है। आज कॉपरेट कर लो, कल से मैं दिखा लूंगा जो भी प्रॉब्लम है। आज जो भी है कॉपरेट कर लो, कल से मैं इसको अरेंज करा लेता हूं जो भी है। यहाँ पर जो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। के बाद हम लोग बात करेंगे बायंसी एंड फ्लोटेशन। के बाद हम लोग बात करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लो थ्रू पाइप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी। और एक टॉपिक और है लास्ट में, यहां लिख रहा हूं 10th हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, इसके बाद जो आप लोग सिविल वाले जो लोग हो ना, मैं इसलिए पूछ रहा था शुरुआत में कि सिविल है मैकेनिकल है, जो सिविल वाले लोग हो उनके लिए एक टॉपिक और आता है ओपन चैनल फ्लो। जो सिविल वाली जनता है उनके लिए एक टॉपिक और आता है ओसीएफ करके ओपन चैनल फ्लो, वो 2 या 2 नंबर का आता है। वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको कोई और पढ़ाएगा। कारण ये है कि मैं मैकेनिकल से हूँ और मैकेनिकल में ओपन चैनल फ्लो नहीं होता, तो ओपन चैनल फ्लो में क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, सिलेबस क्या है और क्या है, वो मुझे खुद नहीं आता। तो ओपन चैनल फ्लो FM से अलग है, उसको कोई और पढ़ाएगा, तो उसके लिए चिंतित मत होइएगा। ठीक, एक टॉपिक और आता है फ्लूइड मशीनरी, उसको भी अपन इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक, एक बार इसको नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। डरना सुना ओ भाई, जो आपका FM है ना, रेफरेंस बुक वगैरह जो आपको FM के लिए आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा आपको पता चल जाएगा। हालांकि जितना मैं डिस्कस करूंगा थ्योरी और न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह, उससे आपको बुक की आवश्यकता होगी नहीं। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिएगा पहले तो अपने। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिएगा अपने। ठीक है, जो जितना मैं डिस्कस करूंगा थ्योरी और न्यूमेरिकल वगैरह, उससे आपको बुक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कोई बुक पढ़ना है तो आप देख सकते हो। एक तो संजल है, संजल मैं आपको बोलूंगा अगर थ्योरी में कोई डाउट हो तो आप संजल देख लेना। अगर न्यूमेरिकल के लिए आपको देखना है तो आप मोरियन सीट देख लेना। ठीक, इनके अलावा कोई भी बुक अपन प्रेफर नहीं करेंगे। या तो थ्योरी के लिए देखना है तो संजल देख लेना या मोरियन सीट देख लेना। ठीक, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको आगे ऐसा लगता है कि मैंने सही नहीं पढ़ाया है या फिर आपने सही से नहीं पढ़ाया, फिर कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है, तो फिर आप बुक्स देख सकते हो। ठीक, इसके बाद 1 या 2 दिन में मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी। हालांकि आप लोगों को सब कुछ पता है, औपचारिकताएं हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम वाले ग्रुप में, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते चलेंगे, है ना। और जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लो, PDF के क्वेश्चंस कर लो, गेट का प्रीवियस ईयर लगा लो, ES का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल कर लो। बस इतने में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, तो आगे से मैं इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ कि आगे से ये सब बातें मत पूछना कि क्या कंटेंट होगा, कैसे प्रेफर करना है, कुछ भी नहीं करना है। जितना मैं कह रहा हूँ केवल उतना सुनना है और उतना पढ़ना है, उससे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो। जब हम लोग FM की बात करते हैं ना, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स कोई अलग से सब्जेक्ट है ही नहीं। आप लोग जो 11th क्लास में बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते थे ना, आप लोग 11th क्लास में जो बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते थे, ठीक है, एक्सटेंशन, वही सारे प्रिंसिपल, वही सारे लॉ जो बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ते थे, वही अप्लाई होंगे किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में। बस अंतर ये होगा कि वहां पर हमेशा अपन बात करते थे किसकी, फ्लूइड सॉलिड बॉडी की, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, फ्लूइड की। हम लोग जब बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते थे 11th क्लास में, आपको याद होगा, तो बेसिक मैकेनिक्स हम लोग 3 तरह से पढ़ते थे। पहला स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता था कि अगर कोई भी बॉडी स्टेशनरी है और उसमें मैकेनिक्स के लॉज को अप्लाई करता था, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करता था, वो स्टैटिक्स होता था। वहीं पर अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है और उसमें कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं कर रहे हो, फोर्सेस की स्टडी नहीं कर रहे हो, तो उसके मोशन की स्टडी कर रहे हो, तो क्या होता था? काइनेमेटिक्स होता था। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्सेस की स्टडी नहीं कर रहे हो, तो क्या होता था? डायनामिक्स होता था। ठीक है, माइक की कुछ प्रॉब्लम आ रही है यार, माइक आप लोग ऑफ कर लीजिएगा पहले, है ना। शैलेंद्र सिंह, आप लोग माइक ऑफ कर लीजिएगा। शैलेंद्र सिंह के नाम से एक आईडी है। बेटा मैं इसमें होस्ट नहीं हूँ, जो होस्ट वाली आईडी है उसको मैं नहीं चला रहा हूँ, इसलिए मैं सबका माइक ऑफ नहीं कर सकता, है ना। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिएगा अपने, है ना। ठीक है, ध्यान रखो यार इन चीज़ों का। सुनो, हम लोग स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये सारी बातें 11th क्लास से ही करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते आए हैं, वही स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की बात यहाँ भी करते हैं। अगर फ्लूइड स्टेशनरी है देन स्टैटिक्स, अगर फ्लूइड मूव कर रहा है और फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे हो देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और फ्लूइड मूव कर रहा है, स्टडी कर रहे हो प्लस कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्सेस की स्टडी भी कर रहे हो देन डायनेमिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स वही है जो बेसिक मैकेनिक्स में स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ते थे, कुछ भी अलग नहीं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो फ्लूइड की हम लोग बात कर रहे हैं वो फ्लूइड है क्या, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। उसके पहले लिख लेना, कुछ मैं बोल रहा हूँ लिखना। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Fluid mechanics is a branch of physics in which we apply the principle of basic mechanics, we apply principle of basic mechanics, we apply principle of basic mechanics on fluid. We apply principle of basic mechanics on fluid. इसमें लिख लेना if the fluid is stationary, इसमें लिख लेना इफ द फ्लूइड इज स्टेशनरी, देन इट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। इफ द फ्लूइड इज स्टेशनरी देन इट इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स। इफ द फ्लूइड इज स्टेशनरी then it is known as fluid statics. Next line में लिखना, if the fluid is moving, and we are not considering the cause of motion, if the fluid is moving and we are not considering the cause of motion, then it is fluid kinematics, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना इफ फ्लूइड इज इन मोशन, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना इफ फ्लूइड इज इन मोशन उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है इफ द फ्लूइड इज इन मोशन एंड वी आर कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, इफ द फ्लूइड इज इन मोशन and we are considering the cause of motion, then it is fluid dynamics, ठीक। तो बहुत सिंपल सी बात है यार कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है, फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में उसकी स्टडी कर रहे हैं, देन क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स है, फ्लूइड मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग कॉज ऑफ मोशन, कौन है, फोर्सेस, की बात नहीं कर रहे हैं, देन क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स है। अगर फ्लूइड मूव कर रहा है और हम लोग कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्सेस की भी बात कर रहे हैं, देन क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स है। बहुत सिंपल सी बात। अब फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्लूइड मैकेनिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि आप जितने भी एप्लीकेशंस देखते हो हर जगह लगभग फ्लूइड मैकेनिक्स यूज होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में, नोजल में, कंप्रेशर में, टरबाइन में, एयर कंडीशनर में, हर जगह। इवन आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स है। आपके रूम में जो एयर फ्लो हो रही है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा है, लगभग सारी डिवाइसेस में फ्लूइड मैकेनिक्स यूज होता है। और इसीलिए आप जितने भी इंटरव्यू में बैठोगे, आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा जाए ना पूछा जाए, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन तीनों में और ऑटोमोबाइल चारों में आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ना। तो अपन पूरा सब्जेक्ट उसी अनुसार डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी और क्वेश्चन भी देख लेंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह आती है कि फ्लूइड है क्या। अच्छा, आप किस ईयर के लोग हो यार? फोर्थ ईयर हो, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है? थर्ड ईयर सर। तुम लोग सेकंड ईयर वाले हो, फोर्थ ईयर वाले हो, थर्ड ईयर वाले हो? तो थर्ड ईयर के हैं सर। आप इस कांसेप्ट पे सर अगर हो सके तो। अच्छा, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी बहुत तो पढ़ा है ना, एफएम थोड़ी बहुत पढ़ा है, थोड़ी बहुत आइडिया होगा एफएम का। फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी बहुत पढ़ा है, थोड़ी बहुत आइडिया होगा। अरे ये तो पता है ना कि ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है तुम्हारे इंजीनियरिंग में, इतना तो पता है ना। ठीक है। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस जो शियर फोर्स हैंडल नहीं कर सके, जो डिफॉर्म हो जाता है छोटे से छोटे शियर फोर्स में, फ्लोज ऑन शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस की वजह से फ्लो हो जाए, वो फ्लूइड है ना। ठीक है। सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लूइड है क्या। ध्यान से सुनना, धैर्य रखना थोड़ी सा। देखो मामला कुछ ऐसा है, ये कोई एक सरफेस, कोई प्लेट है हॉरिजॉन्टल, और ये कोई प्लेट है। आपको दे रखा है कि ये फिक्स प्लेट है या कोई फिक्स सरफेस है, और इन दोनों के बीच में किसी एक सॉलिड को रखा हुआ है। मान लो कि ये सॉलिड क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि सॉलिड क्या है, रबर है। और यहां पर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, आपको दे रखा है कि फोर्स इज अंडर द इलास्टिक लिमिट। आपने क्या किया, एक सरफेस थी वो फिक्स थी और एक सरफेस है वो फ्री टू मूव है ऊपर, उन दोनों के बीच में एक सॉलिड को रखा, मान लिया थोड़ी देर के लिए सॉलिड क्या है, रबर है। ऊपर वाली सरफेस पे क्या किया, कुछ फोर्स लगाया, जैसे कुछ फोर्स लगाओगे तो सरफेस क्या करेगी, मूव हो जाएगी और ये रबर क्या हो जाएगी, कुछ डिफॉर्म हो जाएगी। मामला कुछ ऐसा हो, ये फिक्स सरफेस है, और ऊपर वाली सरफेस क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। कुछ इस तरह, और ये रबर क्या होगी, डिफॉर्म हो जाएगी। ये रबर कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगी। आपने यहाँ पर फोर्स लगाया था कुछ है, अगर कुछ देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? हाँ सर, ब्लरिंग आ रही है इसमें। भाई चैट में लिखो, सर को सुनाई नहीं दे रहा। दिख रहा है थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसको अपन कल एडजस्ट कर लेंगे, आज अपन कंटिन्यू कर सकते हैं ना, ठीक है। सुनो, अच्छा पूरा ब्लर हो रहा है क्या? हाँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं कुछ मुझे एक मिनट दीजिएगा। आराम करना। तुम दोनों इधर ये नई शर्ट अपने नया वो छोड़ना तो एक चीज नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इतना तो दिख रहा है ना कि अपन कंटिन्यू कर सकते हैं आज। है ना, इतना दिख रहा है ना। फिर मैं आज एडजस्ट करा लेता हूँ उसको, कैमरे वगैरह को, ठीक है, अन्यथा अभी क्या समय खराब हो जाएगा पूरा अपना। सुनो, तो यहाँ पर क्या है कि दो प्लेट थी, ये फिक्स प्लेट है और ये फ्री टू मूव है। इसमें कुछ फोर्स लगाया, फोर्स अंडर द इलास्टिक लिमिट है, उसके वजह से प्लेट क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी और ये जो रबर है वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। अब अगर फोर्स, ये फोर्स कौन सा था आप समझ पा रहे होगे, फोर्स तीन है, कंप्रेसिबल, टेंशन और शियर। ये कौन सा था? शियर फोर्स। रबर के रिस्पेक्ट में शियर होगा, आपने शियर फोर्स लगाया, रबर कुछ डिफॉर्म हो गई। और अगर फोर्स अंडर द इलास्टिक लिमिट है, अगर फोर्स अंडर द इलास्टिक लिमिट है तो आप ये समझ पा रहे होगे कि अगर मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूं, अगर मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूं तो ये वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा। अगर फोर्स अंडर द इलास्टिक लिमिट है और मैं फोर्स को रिमूव कर दूं तो ये वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा। सॉलिड अपनी पोजीशन को वापस गेन कर लेगा। इसका मतलब ये है कि रबर कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा था। रबर वापस अपनी पोजीशन में चली जाएगी। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रही थी, ठीक। लेकिन अगर इसकी इसी के जगह मामला कुछ ऐसा होता, अगर ये कोई प्लेट है, अगेन ये कोई फिक्स सरफेस है और यहाँ पर एक सरफेस है जो फ्री टू मूव है, और इस बार मैंने इन दोनों के बीच में किसी फ्लूइड को फिल किया है। और अगेन मैं यहाँ पर कुछ कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, वही शियर फोर्स। और जैसे ही मैं शियर फोर्स लगाऊंगा तो अगेन ये आगे मूव कर जाएगी और जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। और फ्लूइड डिफॉर्म होगा तो ये कुछ ऐसा होगा, ये आपकी फिक्स सरफेस है और ये सरफेस कुछ आगे मूव कर गई। जो फ्लूइड है वो डिफॉर्म हो गया है कुछ इस तरह से। और यहां पर आपने कुछ फोर्स लगाया था, ठीक। तो ये कहना कि सॉलिड डिफॉर्म नहीं होता गलत है। सॉलिड भी डिफॉर्म होता है और फ्लूइड भी डिफॉर्म होता है। जब भी आप शियर फोर्स लगाओगे तो सॉलिड भी डिफॉर्म होगा और फ्लूइड भी डिफॉर्म होगा, दोनों डिफॉर्म होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर शियर फोर्स हटा दोगे तो सॉलिड वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा। मतलब सॉलिड डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप इस फोर्स को हटा दोगे, यहाँ पर इस फोर्स को रिमूव कर दोगे तो वापस अपनी पोजीशन में कभी भी नहीं आएगा। मतलब जो फ्लूइड है वो शियर फोर्स को कभी भी रजिस्ट नहीं करता। सिंपल सी बात है, फ्लूइड वो सारे सब्सटेंस है जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती शियर फोर्स को रजिस्ट करने की। शियर फोर्स लगाओगे तो डिफॉर्मेशन होता जाएगा और फाइनली वो फ्लो होने लग जाएगा। जबकि सॉलिड क्या होगा, सॉलिड डिफॉर्म तो होता है लेकिन उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट भी करता है। और अगर फोर्स हटा दोगे तो वापस अपनी पोजिशन में चला जाएगा, अगर फोर्स अंडर द इलास्टिक लिमिट है। कुछ कुछ बात समझ में आई क्या? इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग डाल लेना फ्लूइड और इसको ड्रॉ करो। एक हेडिंग डाल लेना फ्लूइड, इसको ड्रॉ करना। ड्रॉ हो जाए तो मुझे बता देना। कुछ कुछ लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया है क्या? अरे इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो यार कि कितने दिन में एफएम खत्म हो जाएगा और ये क्या होगा वो क्या होगा, सब आपको पता चल जाएगा ना, टेंशन मत लो, है ना, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो ना। सुनो, अपन क्या बात कर रहे थे कि आप शियर फोर्स लगाओगे तो डिफॉर्मेशन सॉलिड में भी होगा फ्लूइड में भी होगा, लेकिन सॉलिड डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है, फ्लूइड डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं करता। तो उसमें लिख लेना, उसमें लिख लेना, इफ द सॉलिड इज प्लेस्ड, इफ द सॉलिड इज प्लेस्ड बिटवीन टू सरफेस, इफ द सॉलिड इज प्लेस्ड बिटवीन टू सरफेस, if the solid is placed between two surface as shown in the diagram, as shown in the diagram, if the solid is placed between two surface and as shown in the diagram, then it deform under the action of the shear force, then it deform under the action of the shear force, repeat karna sir, then it deform under the action of the shear force, then it deform under the action of the shear force, and regain its original shape, it deform under the action of the shear force and regain its original shape, and regain its original shape, if the force is removed, and regain its original shape if the force is removed, regain its original shape if the force is removed. It means solid has a capacity, solid has a capacity to resist the deformation against shear force. It means solid has a capacity to resist the deformation against shear force. It means solid has a capacity to resist the deformation against shear force, to resist the deformation against shear force. ठीक, to resist the deformation against shear force. नेक्स्ट लाइन में लिखना, नाउ इफ द फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन टू सरफेस, नाउ इफ द फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन, नाउ इफ द फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन टू सरफेस, now if the fluid is filled between two surfaces, then it also deform under the action of the force, then it also deform under the action of the shear force, it also deform under the action of the shear force, but cannot regain its original shape, but cannot regain its original shape even after the removal of the force, even after the removal of the force. Even after the removal of the force. It means fluid does not have a capacity to resist the shear force. Fluid does not have a capacity to resist the shear force. ठीक, आप लोग नोट कर रहे हो क्या? मुझे एक बार बता दो। मेरी बात मेरी आवाज सुन पा? कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है? सुनो, जितना मैं लिखवा रहा हूं ना, अब देखना वीडियो आ रहा है क्या, कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अब देखना आप तैयार है? ठीक है, सुनो, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना ये है कि ये थ्योरी है और इसको नहीं लिखना है, हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि हम करीब 60 आवर लगेगी और मैं सब कुछ कराऊंगा, है ना। तो आपको अगर थ्योरी नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन आज से अभी से 12 या 14 घंटे बाद आप पछताओगे, बाद में आपको रिग्रेट होगा कि आपने नहीं लिखा। इसलिए बोल रहा हूँ पहले से कि सारी चीज़ें लिखते जाओ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, तो टेंशन मत लो, अपन कॉन्सेप्ट को उसी डेप्थ तक डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन ईएस के, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सारे डिस्कस करेंगे, है ना। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि थ्योरी नहीं लिखना है, मत लिखो, लेकिन बाद में रिग्रेशन होगा, आप लोगों को रिग्रेट होगा 10 से 12 घंटे बाद। तो इसलिए जितना भी बोल रहा हूँ सारी चीजें लिखते जाओ, ठीक है, ठीक है। और मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा जहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो पहली बार हम पढ़ रहे हो और मैं लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, है ना। तो अपन इसी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्योरी मैं लिखवाऊंगा जैसा मैं लिखवा रहा हूँ, तो आपको सजेशन दे रहा हूँ कि थ्योरी लिखते जाना, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी, है ना। आप अभी पहला आवर, 1 आवर भी नहीं हुआ है, तो आपको थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लिखते जाना जितना बोल रहा हूँ, अन्यथा बाद में आप रिग्रेट करोगे, ठीक है। सुनो, अब एक बात और सुनो, अच्छा नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्लियर नहीं है क्या? मुझे एक मिनट दीजिएगा यार, एक मिनट, मैं कुछ करता हूँ। देखना यार, अब एक बार सही है क्या, अब एक बार चेक करो सही है क्या पहले से। अब सही है सर। वो बना लेते फिर वो क्या इसमें देखिए देखना आप सही आ रहा है क्या, अब देखना आप सही आ रहा है क्या। देखो पहले के कंपैरिजन में सही है क्या, है ना। केवल आज की प्रॉब्लम है, कल से अपन सही कर लेंगे उसको। अब मेरी एक बात सुनो, ये पूरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, पूरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो इस बात पे बेस्ड है कि फ्लूइड हमेशा शियर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, थोड़ी सा धैर्य रखना, ध्यान से सुनना है ना। पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स इस बात पे बेस्ड है कि फ्लूइड कभी भी शियर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर सकता। और आपको पता है इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इक्विलिब्रियम में रहना चाहती हैं, और अगर चीजें इक्विलिब्रियम में रहना चाहती हैं, फ्लूइड भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, तो फ्लूइड भी कैसा रहना चाहेगा? स्टैटिक रहना चाहेगा। और अगर फ्लूइड स्टैटिक रहना चाहेगा तो फ्लूइड कभी नहीं चाहेगा कि उसमें शियर फोर्स लगे। अगर फ्लूइड स्टैटिक रहना चाहेगा तो फ्लूइड कभी नहीं चाहेगा कि उसमें शियर फोर्स लगे। तो सुनो, कुछ ऐसा है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, शायद आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि जैसे कोई कंटेनर रखा हुआ है, और उसमें कोई एक फ्लूइड है, ये कुछ स्टैटिक कंडीशन में, ठीक। तो फ्लूइड की सरफेस हमेशा कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। फ्लूइड की सरफेस हमेशा कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था। फोर्स कौन सा? एमजी। और फ्लूइड की एक बेसिक टेंडेंसी होती है, पहले बोल रहा हूँ थोड़ी सा धैर्य रखना, क्योंकि मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, और पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स इसी पे बेस्ड है। और फ्लूइड की एक टेंडेंसी होती है कि फ्लूइड हमेशा अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन कर लेता है। फ्लूइड की टेंडेंसी होती है कि फ्लूइड हमेशा अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन कर लेता है। क्यों? इसलिए क्योंकि मान लो ये सरफेस है, और यहां पर कोई एक फोर्स लग रहा है, ठीक। और मान लो कि ये एंगल कितना है? थीटा है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ साइन थीटा या फिर, और एक होगा एफ कॉस थीटा। दो कंपोनेंट होंगे। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि फ्लूइड मूव ना करे, और फ्लूइड मूव ना करे तो शियर फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर मैं चाहता हूं कि फ्लूइड मूव ना करे तो शियर फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और शियर फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? कि एफ साइन थीटा जीरो होना चाहिए या एफ कॉस थीटा जीरो होना चाहिए। शियर फोर्स का मतलब है कि एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और अगर एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट को आपको जीरो करना है तो डेफिनेटली कॉस थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि शियर फोर्स वाला कंपोनेंट जीरो हो जाए, तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 90 होना चाहिए, ठीक। तो फ्लूइड शियर फोर्स को रजिस्ट नहीं कर सकता, मतलब जब भी शियर फोर्स लगेगा तो फ्लूइड क्या होगा? फ्लो होगा। और फ्लूइड को मैं क्या चाहता हूँ कि फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में रहे। स्टैटिक कंडीशन में रहे मतलब शियर फोर्स वाला कंपोनेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब एफ कॉस थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा क्या हो जाए? 90 हो जाए। याद रखना कि फ्लूइड अपने आप को स्टैटिक बनाने के लिए, स्टेशनरी होने के लिए हमेशा अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन कर लेता है। एक तो एग्जांपल आपके सामने है, एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, देखना। मान लो कि ये कंटेनर, पहले सरफेस कुछ ऐसी थी। अगर मैं इस कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, कुछ एक्सेलरेशन से अगर इस कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि फ्लूइड की सरफेस कुछ ऐसी नहीं होती, क्या हो जाती है? इंक्लाइंड हो जाती है। अगर आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो फ्लूइड की सरफेस क्या हो जाएगी? इंक्लाइंड हो जाएगी। इंक्लाइन क्यों होगी वो सुनना। एक फोर्स तो पहले से लग रहा था, कौन सा, mg, और जैसे इसको एक्सेलरेट करोगे तो एक फोर्स और आएगा, कौन सा, सीडो फोर्स। जैसे इसको एक्सेलरेट करोगे तो एक फोर्स और आएगा, कौन सा, सीडो फोर्स, और ये कितना होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। और अगर ये दो फोर्स हैं तो आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा आएगा, और आपको पता है कि फ्लूइड हमेशा अपनी सरफेस को एफ नेट के परपेंडिकुलर मेंटेन कर लेता है। तो याद रखना फ्लूइड की एक बेसिक सी टेंडेंसी है, याद रखना फ्लूइड की एक बेसिक सी टेंडेंसी है कि वो हमेशा अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन कर लेता है। और बस यही एक बात है जो फ्लूइड मैकेनिक्स को बेसिक मैकेनिक्स से अलग करती है। सॉलिड में ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन करे, लेकिन फ्लूइड में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन करता है। ये देखो, ठीक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, फ्लूइड हैज ए टेंडेंसी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, फ्लूइड हैज ए टेंडेंसी Fluid has a tendency to maintain its surface. Fluid has a tendency to maintain its surface perpendicular to the net force. Fluid has a tendency to maintain its surface perpendicular to the net force. ठीक, एक बार इनको ड्रॉ कर लेना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार इनको ड्रॉ कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। डन ना? ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। पहली हेडिंग डालना, पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। पहली हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसे फर्स्ट हेडिंग डाल लेना सरफेस टेंशन। फर्स्ट हेडिंग डाल लेना सरफेस टेंशन। सुनना, मान लो ये आपको कोई एक कंटेनर दे रखा है, ठीक। आप लोग कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस समझते होंगे। कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो ये मार्कर और मार्कर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, या फिर एयर और एयर के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, वो क्या है, कोहेसिव है। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं तो वो क्या है, एडेसिव। फॉर एग्जांपल अगर मार्कर और एयर के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो क्या है, एडेसिव। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है देन क्या है, एडेसिव है। और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है देन क्या है, कोहेसिव है। ठीक, तो सुनना, मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। ये फ्लूइड की फ्री सरफेस है, याद रखना। जब भी मैं फ्री सरफेस दिखाऊंगा तो ये फ्री सरफेस का साइन कुछ ऐसा होगा। अगर आप ए में देखोगे तो कोहेसिव फोर्स कुछ ऐसा लगेगा। ए के चारों तरफ फ्लूइड है ना, कोहेसिव फोर्सेस कुछ ऐसे लगेंगे। और अगर ए में कोहेसिव फोर्सेस ऐसे लगेंगे तो जो एफ नेट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप बी की बात करोगे तो बी भी फ्लूइड के अंदर है, तो इसमें भी कोहेसिव फोर्स चारों तरफ लगेंगे, चारों तरफ फ्लूइड होगा। तो बी में भी जो एफ नेट है, नेट कोहेसिव फोर्स, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप सी को देखोगे तो सी के चारों तरफ फ्लूइड नहीं था, नीचे था, इधर फ्लूइड था, इधर फ्लूइड था और इधर फ्लूइड था, ऊपर इसके कोई भी फ्लूइड नहीं। इसका मतलब है कि इसमें नेट कोहेसिव फोर्स जीरो नहीं आएगा, एफ नेट जीरो नहीं होगा, मतलब एक नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होगा। अब आप मुझसे कहोगे कि एडेसिव तो होगा ना, मतलब सी और एयर के बीच में कुछ फोर्स होगा ना, एडेसिव फोर्स होगा। वो एडेसिव फोर्स कंपैरेटिवली कम होगा। अगर वो एडेसिव फोर्स ज्यादा होता, तो सी यहाँ पर नहीं रहता, एयर के साथ फ्लो हो जाता। डेफिनेटली कोहेसिव फोर्सेस एडेसिव फोर्सेस से ज्यादा थे, इसीलिए फ्लूइड एक साथ था, अन्यथा वो एयर के साथ चला गया होता। ठीक, तो इसलिए मैं एडेसिव फोर्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एडेसिव फोर्सेस क्या है, कम। मतलब ये है कि जो पार्टिकल फ्लूइड के अंदर है उसमें नेट कोहेसिव फोर्सेस क्या है, जीरो है, और जो पार्टिकल फ्लूइड के सरफेस पे है उसमें एक नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जितने भी पार्टिकल सरफेस पे लाई करेंगे, जितने भी पार्टिकल सरफेस पे होंगे, उन सब में एक नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जो भी पार्टिकल सरफेस पे थे वो कहाँ आना चाह रहे थे, नीचे आना चाह रहे थे। इसका मतलब है कि फ्लूइड में कोई भी पार्टिकल सरफेस पे रहना ही नहीं चाह रहा था। इसका मतलब है कि फ्लूइड में कम से कम पार्टिकल सरफेस पे रहना चाह रहे थे, मतलब फ्लूइड हमेशा अपनी सरफेस एरिया को क्या करना चाह रहा था, मिनिमाइज करना चाह रहा था। और अगर फ्लूइड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है तो डेफिनेटली फ्लूइड की सरफेस किस में होगी, टेंशन में होगी, उसके वजह से जो फोर्स आएगा वही क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक, याद रखना सरफेस टेंशन आया किसके वजह से, एक नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, जिसके वजह से जो पार्टिकल है वो नीचे आना चाह रहे थे, फ्लूइड के अंदर आना चाह रहे थे। मतलब कोई भी पार्टिकल सरफेस पे नहीं रहना चाह रहा था और फ्लूइड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा था। ठीक, इसके वजह से फ्लूइड की सरफेस एक टेंशन में होगी और जो फोर्स आएगा उसको क्या बोल रहा हूँ, सरफेस टेंशन। ये तो कॉन्सेप्चुअल बात हो गई कि भाई सरफेस टेंशन है क्या। अब एक आती है कि भाई न्यूमेरिकली बात होता है कि न्यूमेरिकली अपन किसी चीज को डिफाइन करते हैं, तो सरफेस टेंशन डिफाइन किस तरह से किया वो सुना, सरफेस टेंशन को डिफाइन किस तरह से किया वो सुना। ये जो कंटेनर है ना, इसकी मैं टॉप व्यू को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं कंटेनर के टॉप व्यू को एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ ना, सुनो, रिपीट करने को बोल रहे हो। मैं क्या कह रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जितने भी पार्टिकल फ्लूइड के अंदर हैं, जो भी पार्टिकल फ्लूइड के अंदर हैं, उनमें नेट कोहेसिव फोर्सेस क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि उनके चारों तरफ फ्लूइड था, चारों तरफ कोहेसिव फोर्स लग रहे थे। लेकिन जो भी पार्टिकल सरफेस पे थे उनमें नेट कोहेसिव फोर्स जीरो नहीं था, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स लग रहा था, उसके वजह से जो पार्टिकल सरफेस में है वो नीचे आना चाह रहे थे, फ्लूइड के अंदर आना चाह रहे थे। मतलब कम से कम पार्टिकल फ्लूइड के सरफेस पे रहना चाह रहे थे और इसी वजह से फ्लूइड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा, और फ्लूइड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा तो फ्लूइड की सरफेस एक टेंशन में होगी, उसी फोर्स को क्या बोल रहा हूँ, सरफेस टेंशन बोल रहा हूँ। ठीक, ये कॉन्सेप्चुअल बात थी कि भाई सरफेस टेंशन नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के वजह से आया। अब मैं उसको न्यूमेरिकली डिफाइन करना चाह रहा हूँ। एक बार देखना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टॉप व्यू ऑफ द कंटेनर। आप कंटेनर का टॉप व्यू देखोगे तो आपको देखो क्या दिखेगा, आप यहां से देखोगे तो कंटेनर में जो फ्लूइड है उसकी सरफेस दिखाई देगी आपको। मान लो थोड़ी देर के लिए कि कंटेनर जो है वो सर्कुलर है, आप कंटेनर को देखोगे टॉप व्यू में तो उसकी सरफेस दिखाई देगी कुछ इस तरह से। ठीक, और ये सरफेस किसमें है, टेंशन में। ये सरफेस किसमें है, टेंशन में है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ लेंथ है की। ठीक, मामला कुछ ऐसा है, कुछ एक मिनट देना मुझे। ये मान लो कुछ ऐसा है, ये कोई सरफेस है। ठीक, और यहाँ पर मैंने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दी है और ये सरफेस किसमें है, टेंशन में। सरफेस किसमें है, टेंशन में। और अगर ये सरफेस टेंशन में है तो इमेजनरी लाइन के दोनों साइड क्या होंगे, टेंशन फोर्सेस होंगे कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये सरफेस टेंशन में थी, सरफेस टेंशन की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पर एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करूं तो सरफेस टेंशन की वजह से दोनों साइड कुछ फोर्सेस लगेंगे, और अगर ये जो फोर्सेस लगेंगे इसको अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखूं, तो यही क्या है, सरफेस टेंशन है एफ अपॉन एल, एफ इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एल। ठीक, तो सरफेस टेंशन जो न्यूमेरिकली डिफाइन किया वो कैसे किया, फ्लूइड की सरफेस पे एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की, वो इमेजनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसमें दोनों साइड कुछ कुछ फोर्सेस लगेंगे, टेंशन फोर्स, वो टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक, अब सुनो, सरफेस टेंशन मैं सब पे आ रहा हूं। अब जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, नोट मत करना अभी, जब तक नहीं बोलूं, बाद में नोट कर लेना। अब जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो जो फ्लूइड की सरफेस है उसके पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर होता है? जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो फ्लूइड की सरफेस के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, बताओगे क्या? सरफेस टेंशन का फोर्स फ्लूइड की सरफेस के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा? सुनो, याद रखना, सुनो, सरफेस टेंशन का फोर्स जिसके वजह से आया, वो नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स था। और वो सरफेस के कैसा था, परपेंडिकुलर था। और इस फोर्स के वजह से सरफेस टेंशन में आ गई, और जो टेंशन में आई उस फोर्स को सरफेस टेंशन बोल रहा हूँ। और सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस के कैसा होता है, पैरेलल होता है, ये परपेंडिकुलर नहीं होता। याद रखना, सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस के पैरेलल होता है, लेकिन सरफेस टेंशन का फोर्स जिसके वजह से आया, जो नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स था, वो सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। बात क्लियर है क्या, हाँ या नहीं? बात क्लियर है? सरफेस मिनिमाइज अपने आप को करेगी तो टेंशन होगा डेफिनेटली। और भाई कोई भी चीज थी, आपको उसको खींच करके मिनिमाइज करोगे तो टेंशन में आएगी ही आएगी, है ना। सरफेस जितना नेचुरली हो सकती थी उससे कम अपनी सरफेस को करना चाहेगी तो एक टेंशन होगा। ठीक है, सुनो, अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि फ्लूइड में अगर शियर फोर्स लगेगा तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। शियर फोर्स मतलब सरफेस के पैरेलल, ये भी तो सरफेस के पैरेलल होता है, सरफेस टेंशन भी तो सरफेस के पैरेलल होता है, तो इसके वजह से फ्लूइड फ्लो क्यों नहीं होता? नेट जीरो है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है, नेट फोर्स जीरो होता है हमेशा, है ना। डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ही फ्लूइड टेंशन में आई, और एक्चुअल में डाउनवर्ड नहीं है, फ्लूइड के अंदर साइड है, मतलब मान लो कि फ्लूइड कभी ऐसा स्फेरिकल रखा हुआ है ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो फ्लूइड की कोई एक वाटर की कोई ड्रॉपलेट है, कुछ ऐसी रखी हुई है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो अंदर आना चाहेगा, यहाँ भी पार्टिकल अंदर आना चाहेगा, सारे पार्टिकल अंदर आना चाहेंगे, और फ्लूइड अपनी सरफेस को मिनिमाइज करना चाहेगा, उसके वजह से फ्लूइड की सरफेस किसमें होगी, टेंशन में। ठीक, तो एक बार इसको ड्रॉ करना, एक बार केवल इसको ड्रॉ करना, पहले वाले डायग्राम को। नोट कर लिया होगा, उसमें लिखना फॉर द पार्टिकल ए एंड बी, नेट कोहेसिव फोर्स विल बी जीरो। for the particle A and B, net cohesive force will be 0, but for particle C, but for particle C, there will be a net unbalanced cohesive force. Excuse me, sir. But for particle C, there will be a net unbalanced cohesive force. But for particle C, there will be a net unbalanced cohesive force, due to which fluid minimize its surface area and fluid surface remains in tension. ठीक, एक बार इसको ड्रॉ करना। आपने पूछा हुआ है कि अगर लाइन ऑफ कंटेनर की कॉर्नर पे रखा हो, देखो अगर कंटेनर की कॉर्नर पे होता है तो सिचुएशन कुछ अलग होती है। नेक्स्ट टॉपिक वही है, कॉन्टैक्ट एंगल की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर फ्लूइड की सरफेस इंक्लाइंड हो जाती है ना, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक वही है कि फ्लूइड के कॉर्नर पे क्या होगा, तो कॉन्टैक्ट एंगल फॉर्म होता है, उसकी बात करेंगे। एक बार इसको ड्रॉ कर लो, उसमें लिखना ठीक। अब मुझे एक बात बता दो, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है या नहीं है? सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है या नहीं है? प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ही डिस्कस कर रहे हैं? सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ठीक। सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, याद रखना, ठीक। दूसरा, सरफेस टेंशन कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? सरफेस टेंशन कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? अच्छा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव छोड़ो, मुझे ये बता दो कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये पता है क्या आपको? सुनो, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। सुनो, तुम पहले तो उसमें लिख लो, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, अगर किसी को नहीं पता हो। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? 2 मिनट सुनना, ये मार्कर है, इसको मैंने उठाया, किस फोर्स के अगेंस्ट उठाया? ग्रेविटेशन के अगेंस्ट। और जैसे मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया तो जो वर्क है वो किसमें स्टोर हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो वर्क किया फोर्स के अगेंस्ट वो एक एनर्जी में स्टोर हो गया। किस फोर्स के अगेंस्ट किया था? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो अगर मैं किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा और वो वर्क किसी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, तो फोर्स क्या था? कंजर्वेटिव। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, इसको उठाया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कोई और एग्जाम्पल, स्प्रिंग। ये एम मास था, इसको आपने कंप्रेस किया, ये स्प्रिंग एनर्जी ½ kx² में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। कोई और एग्जांपल, इलास्टिक, कंप्रेस करो, उसको खींचो, इलास्टिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। मतलब जहां भी आप फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे और वर्क किसी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा तो वो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ग्रेविटी हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे फोर्सेज हो सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर ऐसा कोई फोर्स है जिसके अगेंस्ट आप वर्क करोगे और वर्क एनर्जी में स्टोर नहीं होगा, वर्क वेस्ट हो जाएगा, वो क्या होंगे? नॉन कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल फ्रिक्शन। मैं इस मार्कर को यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करूंगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट ये किसी एनर्जी में स्टोर नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अगर किसी एनर्जी में स्टोर नहीं हो रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क किसी एनर्जी में स्टोर हो रहा है देन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक हेडिंग डाल लेना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा मुझे एक बात बता दो कि सरफेस टेंशन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? सरफेस टेंशन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? सरफेस टेंशन क्या है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। एक हेडिंग डाल लेना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक हेडिंग डाल लेना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसमें लिखना, एक हेडिंग डाल लो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसमें लिखना द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। If the work done against the force, if the work done against the force is stored in the form of energy, if the work done against the force is stored in the form of energy, if the work done against the force is stored in the form of energy, then it is conservative. If the work done against the force is stored in the form of energy, then it is conservative. Otherwise, non-conservative. Otherwise, non-conservative. ठीक। अब सुनो, अब आपको देखो, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, ये ब्लर हो रहा है क्या? जाना हो रहा है। आप सही हो गया होगा। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, उन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी आएंगी। मतलब मामला कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स लिखूं और एनर्जी लिखूं, तो अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो किस एनर्जी में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है वर्क। अगर आप स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो किसमें स्टोर हो जाता है? स्प्रिंग एनर्जी में स्टोर हो जाता है वर्क। अगर आप इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो इसमें स्टोर हो जाता है, इलास्टिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। सिमिलरली अगर आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो वो किसमें स्टोर हो जाता है? सरफेस एनर्जी में। आप समझ गए होंगे कि हम लोग अगला टॉपिक कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी कोई नई चीज नहीं है, सरफेस एनर्जी कोई नई चीज नहीं है। आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो कि अगर किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाए तो वो किसी एनर्जी में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क करोगे तो स्प्रिंग एनर्जी में, इलास्टिक के अगेंस्ट वर्क करोगे तो इलास्टिक एनर्जी में। उसी तरह अगर आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करोगे वो एक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी कौन सी है? सरफेस एनर्जी। ठीक, सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस एनर्जी की। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको इमेजिन करना। आप क्या करते हो कि स्टील का एक लोहे का वायर है, वो आप कहीं मार्केट से परचेज करके लाते हो और उस वायर का कुछ इस तरह से फ्रेम बनाते हो। आप मार्केट से कोई एक वायर खरीद के लाते हो और वायर का कुछ इस तरह से, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? आप मार्केट से एक वायर लेकर के आते हो और वायर का कुछ इस तरह से फ्रेम बनाते हो और एक कोई धागा, कोई एक थ्रेड या फिर कोई एक वायर यहां पर अटैच कर देते हो। एक फ्रेम बनाया और एक धागा यहां पर अटैच कर दिया। आप क्या करते हो कि एक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई साबुन और पानी का घोल है, सोप और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक। इस फ्रेम को आप यहां से उठाते हो और ये जो साबुन और पानी का घोल था, जो सोप और वाटर का सॉल्यूशन था, उसमें डिप करते हो और निकाल लेते हो। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या होगा, यहाँ पर एक पतली सी एक फ्लूइड की फिल्म डेवलप हो जाएगी। या आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, एक फ्रेम लिया, उसमें डिप किया और निकाल लिया, तो एक पतली सी एक फ्लूइड की फिल्म डेवलप हो जाएगी। और अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो वो जो फिल्म है वो एक टेंशन में होगी, अपने एरिया को क्या करना चाह रही होगी, मिनिमाइज करना चाह रही होगी, ठीक। और यहाँ पर अगर ये लेंथ L है तो यहां पर इस वायर में एक फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन का, F = σ × L, क्योंकि ये अपने सरफेस को क्या करना चाह रही थी, मिनिमाइज करना चाह रही थी, ठीक। आपने क्या किया, आप किसी भी तरह से इसको डिस्प्लेस किया आपने सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, मुझे सरफेस एनर्जी निकालना था। और सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी वर्क है किसके अगेंस्ट, सरफेस टेंशन। तो ये फ्लूइड अपने आप को मिनिमाइज करना चाह रहा था, तो सरफेस टेंशन का फोर्स इस साइड लग रहा था। आपने वायर को डिस्प्लेस किया तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करोगे और वायर को आप कुछ यहां तक ले गए। और आपने इतना एरिया क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ये डेल्टा एक्स है, ये dx, ठीक। तो अगर आपको सरफेस एनर्जी लिखना है तो सरफेस एनर्जी है क्या, सरफेस एनर्जी है वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, σ × L, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, देन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो ये जो dx × L है, ये जो dx × L है, ये क्या है, ये वो वाला एरिया है फ्लूइड का, वो सरफेस एरिया है जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है, जो इंक्रीज हो गया है। ये क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू σ × d। ये आपकी सरफेस एनर्जी है। कुछ भी नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बचपन से जानते हैं कि अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो एक एनर्जी में स्टोर हो जाता है। सरफेस टेंशन भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करोगे तो वह एक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, जिसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या, हाँ या नहीं? यहाँ तक थोड़ी बहुत बात समझ में आई, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया ना? सर सर इसमें लिख लेना सरफेस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। सरफेस एनर्जी डिपेंड करेगी फ्लूइड के सरफेस टेंशन पे और उसके सरफेस एरिया पे। फ्लूइड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा सरफेस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बात करते हैं अभी उसकी। सुनो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सरफेस टेंशन भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करोगे तो भी एक एनर्जी में स्टोर होगा और जिस एनर्जी में स्टोर होगा वो एनर्जी कौन सी है, सरफेस एनर्जी। यहाँ पर एक फ्लूइड की फिल्म बनी, फ्लूइड की फिल्म अपने आप को मिनिमाइज करना चाहेगी तो सरफेस टेंशन का फोर्स सिग्मा इनटू एल इस डायरेक्शन में लगेगा। आपने इसको मूव करा दिया इस धागे को उस साइड, तो आपने सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क किया और जो वर्क है वही क्या है, सरफेस एनर्जी। वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ वीडियो पॉज तो नहीं हुई यार, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है। उसमें लिखना सरफेस टेंशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। केवल आज की प्रॉब्लम है और कल जो नेट वाली प्रॉब्लम है और जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनको अपन सही कर लेंगे। उसमें लिखना सरफेस टेंशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या सरफेस टेंशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस लैपटॉप में नहीं हुआ। अरे मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई है। तुम एक काम कर, तो अपने डिटेल मेरे को भेज दे, मैं 5 मिनट में कर, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं 5 मिनट में करके भेज दूंगा। सरफेस टेंशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। मैं भी कुछ काम कर रहा हूं ना। ठीक है ठीक है। सरफेस टेंशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स हेंस वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। आप माइक एक बार चेक कर लीजिएगा मृदुल अपना। वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज सरफेस एनर्जी, नोन एज सरफेस एनर्जी। ठीक, अब मेरी एक बात सुनो, आप लोग एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा अपना ना। सुनो, जैसे आप एनर्जी की बात करते हो ना, तो एनर्जी बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। ध्यान से सुनना, बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, मैग्नेटिक एनर्जी हो सकती है, और भी दुनिया में बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। स्प्रिंग एनर्जी हो सकती है, इलास्टिक एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। ये सारी एनर्जी आपको दिखाई देती है। काइनेटिक एनर्जी को आप फील कर पाते हो कि काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप फील कर पाते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वाइब्रेशन को आप फील कर पाते हो कि वाइब्रेशन एनर्जी है, स्प्रिंग एनर्जी को आप फील कर पाते हो कि स्प्रिंग एनर्जी है। उसी तरह सरफेस एनर्जी को आप फील कर पाते हो क्या, कि सरफेस एनर्जी जैसा कुछ होता है दुनिया में, हाँ या नहीं। सरफेस एनर्जी को आप फील कर पाते हो कि सरफेस एनर्जी जैसा इस दुनिया में कुछ होता है। सरफेस एनर्जी जैसा फील कर पाते हो इस दुनिया में कुछ होता है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। मान लो कि एक रूम है, मान लो एक रूम है, जिस रूम में आप हो या जिस रूम में मैं हूं, उस रूम में एक कंटेनर रखा हुआ है। इतना मैं बता रहा हूं, उतना इमेजिन करते जाना। उस रूम में एक कंटेनर रखा हुआ है, उस कंटेनर में कुछ वाटर रखा हुआ है। आप जिस रूम में, उस रूम में एक कंटेनर है, उसमें कुछ कुछ वाटर रखा हुआ है। आप 3 दिन बाद उस रूम में आते हो, कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, और आप 3 दिन बाद उस रूम में आते हो तो वाटर लगभग आपको उतना ही मिलता है। आफ्टर 3 डेज आप 3 दिन के बाद आते हो तो आपको वाटर कंटेनर में लगभग उतना ही मिलता है। हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो गया हो, लेकिन लगभग कंटेनर में वाटर होता है। अब दूसरी सिचुएशन अज्यूम करो, दूसरी सिचुएशन अज्यूम करो कि वाटर जो कंटेनर में था उसको नीचे फर्श पे फैला दो, ये जो ग्राउंड में नीचे फर्श है वाटर को नीचे फेंक दो, पानी को नीचे फेंक दो रूम के फर्श पे। अब आप 3 दिन बाद आओ, पानी आपको वही मिलेगा या इवेपोरेट हो जाएगा? पानी आपको वही मिलेगा या इवेपोरेट हो जाएगा? वाटर आपको वहां नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट क्यों हो जाएगा आप समझो इस बात को। यहाँ पर जब वाटर कंटेनर में था तो उसका सरफेस एरिया ये था, जब वाटर कंटेनर में था तो उसका सरफेस एरिया ये था, और जैसे ही आपने उसको फर्श पर फेंक दिया तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया है? बढ़ गया है। और जैसे ही वाटर का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपको पता है कि सरफेस एनर्जी क्या होती है? डेल्टा यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। और जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, जैसे ही आपने वाटर को फर्श पे फेंका तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से सरफेस एनर्जी बढ़ गई, और इस हाई सरफेस एनर्जी के वजह से वो एयर में क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा, जिसको आप इवेपोरेट हो जाना भी बोलते हो। सिमिलर चीज है जैसे आप कपड़े सुखाते हो तो वहां पर टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता, फिर भी वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? हाई सरफेस एनर्जी के वजह से ऑपरेट हो जाता है। बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसके बाद सुनो, मैंने क्या बोला कि कंटेनर में जब वाटर था तो एरिया ये था, इसको नीचे फर्श पे डाल दिया तो एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। एरिया बढ़ गया, और जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो सिग्मा इंटू डेल्टा एरिया इंटू एरिया क्या होता है? सरफेस एनर्जी। एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर सरफेस एनर्जी बढ़ेगी तो हाई सरफेस एनर्जी के वजह से वाटर क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है। ठीक, इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा है बारिश का पानी हमेशा ठंडा होता है, मई जून के महीने में भी बारिश होगी ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी उस समय भी बारिश होगी ना, तो भी बारिश का पानी हमेशा ठंडा होगा। कारण बताओगे क्या? बारिश का पानी हमेशा ठंडा होता है। कारण सुनो क्या होता है। कारण ये होता है कि जैसे ऊपर मान लो ऊपर क्या है? क्लाउड है, बादल है, जब बारिश का पानी नीचे आता है ना तो वाटर क्या होता है? अलग अलग ड्रॉपलेट में टूट जाता है। वाटर क्या होता है? अलग अलग ड्रॉपलेट में टूट जाता है ना, कुछ इस तरह से। अगर अलग अलग वाटर अगर अलग अलग ड्रॉपलेट में टूट गया है, अगर वाटर अलग अलग ड्रॉपलेट में टूट गया है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बारिश के पानी का बढ़ता है या कम हो जाता है? जो बारिश का पानी है बारिश का पानी अलग अलग ड्रॉपलेट में टूट जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, कम होगा? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी सिग्मा इंटू डेल्टा ए, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो बारिश का पानी होता है वो जब नीचे आता है तो उसकी सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बारिश का पानी जो नीचे आता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और आपको पता है कि इस दुनिया में एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर सरफेस एनर्जी बढ़ गई है तो सरफेस एनर्जी कहीं से तो आई होगी। आपको पता है कि एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर सरफेस एनर्जी बढ़ गई है ये किसी ना किसी एनर्जी के एक्सपेंस में आई होगी। ये किस एनर्जी के एक्सपेंस में आई है बताओगे क्या मुझे? ये जो सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है ये किस एनर्जी के एक्सपेंस में बढ़ती है? क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सरफेस एनर्जी बढ़ी तो कोई एक एनर्जी तो कम हुई होगी, और वो कौन सी एनर्जी कम होती है? वो इंटरनल एनर्जी कम होती है। ये फ्लूइड की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और इस इंटरनल एनर्जी कम होने के वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए बारिश का पानी हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है। बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बात समझे क्या? सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि जब बारिश का पानी नीचे आता है तो अलग अलग ड्रॉपलेट में टूट जाता है, और अगर अलग अलग ड्रॉपलेट में टूटा तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, और एरिया बढ़ा तो सरफेस एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन एनर्जी तो कंजर्व है, आपको पता है इस दुनिया में एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो अगर सरफेस एनर्जी बढ़ी है तो कोई एक एनर्जी कम हुई होगी। कौन सी एनर्जी कम हुई? इंटरनल एनर्जी कम होती है। इंटरनल एनर्जी के ही एक्सपेंस में सरफेस एनर्जी बढ़ती है, तो इंटरनल एनर्जी के कम होने की वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए बारिश का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। बात समझ में आ गई क्या, हाँ या नहीं? ठीक, अब मेरी एक बात और सुनो, आपको पता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें एक्विलिब्रियम में रहना चाहती हैं। और एक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है हाई एनर्जी पे जाना या लो एनर्जी पे जाना। मुझे एक बार बता दो, एक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है हाई एनर्जी पे रहना या लो एनर्जी पे रहना? ऑब्वियस सी बात है, लो एनर्जी पे रहना। तो फ्लूइड की चाहत भी यही होगी, ध्यान से सुनना, फ्लूइड की चाहत भी यही होगी कि फ्लूइड हमेशा एक्विलिब्रियम में रहे। और फ्लूइड अगर एक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो वो हमेशा अपनी सरफेस एनर्जी को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। तो देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू डेल्टा ए। इस दुनिया में सारी सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है दुनिया की कोई भी बॉडी हो, एक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, और एक्विलिब्रियम में रहना चाहती है तो एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है। सिमिलरली फ्लूइड भी एक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा, और एक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा तो अपनी सरफेस एनर्जी को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। और सरफेस एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब फ्लूइड का सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और यही तो मैं शुरुआत से समझा रहा हूँ कि फ्लूइड हमेशा अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, और इसी के वजह से सरफेस टेंशन आता है। बात समझ में आई क्या? फ्लूइड भी एक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा मतलब लो एनर्जी पे जाना चाहेगा, लो एनर्जी मतलब सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा, और सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा मतलब एरिया को भी मिनिमाइज करना चाहेगा, और एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा, इसी के वजह से फ्लूइड की सरफेस किस में होगी, टेंशन में होगी, और इसी के वजह से क्या आएगा, सरफेस टेंशन। ठीक, सुनो, तो सरफेस टेंशन को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस एनर्जी से सरफेस टेंशन आती है, सरफेस टेंशन से सरफेस एनर्जी आती है। अरे ऐसे क्वेश्चन मत करो यार, दोनों एक ही चीजें हैं। ये तो वही बात हो गई कि मतलब दुनिया में कौन पहले आया कौन नहीं आया, वैसा नहीं कर सकते ना। दोनों एक दूसरे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सरफेस टेंशन से सरफेस एनर्जी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और सरफेस एनर्जी से सरफेस टेंशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। एक्सप्लेन करने का तरीका है, मैं सरफेस एनर्जी से सरफेस टेंशन को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और सरफेस टेंशन से सरफेस एनर्जी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, अब सुनो, मैं सरफेस टेंशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकता था, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इनटू डेल्टा ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। और अगर डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो गया तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। सरफेस एनर्जी ये थी, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। डेल्टा ए अगर 1 हो गया तो सरफेस एनर्जी ही किसके बराबर हो जाएगी, सरफेस टेंशन के। मतलब यूनिट एरिया को चेंज करने के लिए, फ्लूइड के यूनिट एरिया को चेंज करने के लिए जितनी सरफेस एनर्जी की आवश्यकता होगी वही क्या है, सरफेस टेंशन। तो और करके लिख लेना इसको, एक बार लिखना फिर कुछ लिखते हैं अपन। और करके एक बार इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना, केवल इसको नोट करना। डेल्टा ए इज इक्वल टू 1, देन सरफेस टेंशन ही सरफेस एनर्जी के बराबर हो जाएगा। मतलब फ्लूइड के सरफेस एरिया को यूनिट चेंज करना है तो जितनी सरफेस एनर्जी की आवश्यकता होगी वही क्या है, सरफेस टेंशन। उसमें लिखना hence केवल आज कुछ देख लो जो भी प्रॉब्लम आ रही है देखने में। कल से मैं इसको ब्राइटनेस वगैरह जो भी है इसको सही करा लेंगे अपन, है ना। नोट कर लिया होगा। लिखना हैंस surface tension can also be defined, surface tension can also be defined, and surface tension can also be defined surface tension can also be defined as the surface energy as the surface energy required to change unit area of the fluid, surface energy required to change unit area of the fluid surface। surface energy required to change unit area of the fluid surface। यहां तक क्लियर है क्या? आज अपन ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। मैंने केवल आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि गेट और ईएस में वेट टेस्ट कितना है। उसके बाद सिंपल सी बात अपन ने ये की थी कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है। फिर अपन ने सिंपल सी बात की थी कि भाई फ्लूइड क्या है, फ्लूइड वो है जो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर सके। फिर अपन ने बात की थी कि फ्लूइड हमेशा अपनी सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर मेंटेन कर लेता है क्योंकि उसकी चाहत है कि उस पर शियर स्ट्रेस ना लगे और वो फ्लो ना हो। फिर हम लोगों ने बात की थी किसकी, सरफेस टेंशन की, और सरफेस टेंशन की बात की थी। सरफेस टेंशन किसकी वजह से आया, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स की वजह से आया। सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा, हालांकि अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स परपेंडिकुलर था, ठीक। उसके बाद सरफेस टेंशन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके अगेंस्ट जो वर्क करोगे वो एक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और जिस एनर्जी में स्टोर होगा उस एनर्जी को क्या बोलना है, सरफेस एनर्जी। क्लियर है? आप लिख रहे हो जो घड़े में पानी ठंडा होता है वो किसके वजह से होता है, वो भी इसी की वजह से होता है बेटा, वो इवेपोरेशन होता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है घड़े के चारों तरफ, सरफेस एरिया के वजह से सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है, फ्लूइड इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन फ्लूइड घड़े के अंदर वाले वाटर से लेता है, इससे अंदर वाला वाटर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वो भी इसी की वजह से होता है ना। मैकेनिकल में ये हम लोग RAC में पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। आज में कुछ डाउट है क्या आपको? आज वाले डाउट सेशन में कोई डाउट है क्या आपको? स्पीड आज स्लो लग रही होगी क्योंकि पहला दिन था, है ना, ठीक है। थर्मल पूरा पता नहीं यार, अभी तो एफएम का ही पता है मुझे, है ना। टेलीग्राम की ग्रुप की जो लिंक है, वो बहुत सारे लोग होंगे जो टेलीग्राम में होंगे, एक बार टेलीग्राम वाले ग्रुप की लिंक सेंड कर देना। बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम वाले ग्रुप में हैं, कोई भी एक टेलीग्राम वाले ग्रुप की लिंक यहाँ पर सेंड कर दो, तो बाकी लोग उसको ज्वाइन कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी, है ना। और एक्चुअली क्या है देखो, आज सब क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम जा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जा रही है, बहुत सारी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ना, और पहली क्लास है इसलिए अपन थोड़ी सा स्लो चल रहे हैं। और जो थ्योरी की बात है ना, जो थ्योरी की बात है ना, तो केवल धैर्य रखो, मेरी बात को सुनो, जितना कह रहा हूँ उतना करते जाओ, जो कह रहा हूँ उसको लिखते जाओ, है ना। आज से 10 या 15 क्लास होने के बाद आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें जो चल रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और लिखनी चाहिए थी। तो पहले दिन से ही बता रहा हूँ कि नोट्स बनाते जाना और लिखते जाना। जिन लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है कि नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, थ्योरी लिखनी है नहीं लिखनी है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रिलेवेंट है या नहीं है, या फिर ईएस या गेट के लेवल तक मैं पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे पढ़ चुके हैं, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो एक बार उनसे कंसल्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे कि आगे आपको क्या करना है ना। तो निश्चिंत रहो बिल्कुल भी, मैं आपको पूरा ईएस का जितना भी प्रीवियस ईयर है ईएस का कन्वेंशनल पूरा कराऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के क्वेश्चंस अभी एचएमटी हम लोग पढ़ रहे थे, अगर कोई एचएमटी कोई पढ़ रहा था क्या आप में से? एचएमटी कोई पढ़ रहा था क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई और है जो मुझसे कोई सब्जेक्ट पढ़ चुका है? नहीं है, सारे लोग नहीं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, अपन जो ईएस का प्रीवियस ईयर है कन्वेंशनल अपन पूरा कर लेंगे, गेट का प्रीवियस ईयर अपन पूरा कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के काफी कुछ अपन कवर कर लेंगे ना, तो इस बात के लिए निश्चिंत रहो। अब देखो अपन एक लेक्चर में, आप चाहो कि एक लेक्चर मैंने शुरू किया आज ही मैं ईएस का कन्वेंशनल आपको करा दूं, संभव नहीं है। आज ही मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करा दूं, संभव नहीं है। आज मैं आपको पूरा गेट का प्रीवियस ईयर करा दूं, संभव नहीं है। आपको सिक्वेंस वाइज ही चलना होगा, पूरा 50 to 60 आवर का सब्जेक्ट है, 50 to 60 आवर में ही कंप्लीट करेंगे, उसी तरह कंप्लीट करेंगे जैसा आप लोग ऑफलाइन क्लासें पढ़ते हो और जैसा मैं ऑफलाइन क्लासें पढ़ाता हूँ, ठीक। पूरी थ्योरी आपको लिखनी ही पड़ेगी, नहीं लिखोगे तो बाद में आपको पछतावा होगा, पूरे डेरिवेशन आपको करने ही पड़ेंगे। आप समझो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता यार, ईएस का एग्जाम यूपीएससी डिजाइन करता है, ईएस का एग्जाम यूपीएससी डिजाइन करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए और 4 फॉर्मूले आपने लिख लिए और आपने क्वेश्चन जा करके बना लिया, हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी, पूरी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, पूरे कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल करोगे, प्रोसेस है उसकी, थोड़ी सा समय लगेगा, धैर्य रखो, 3-4 दिन अपन उस प्रोसेस को कंप्लीट करके न्यूमेरिकल में आ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल होंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है, बस धैर्य रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई है क्या? ठीक है, और मेरा एक तरीका है, मैं उसी तरीके से चलूंगा, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या? ठीक है, हाँ, लगभग लग जाएगा, लगभग अगर 2 घंटे क्लास होगी तो लगभग 1 मंथ लग जाएगा, लगभग 1 महीने लग जाएगा। और हो सकता है कि आप लोगों की 2-2 क्लास पैरेलल चले, तो हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट आपके पैरेलल में हो जाए, है ना, तो उस चीज की चिंता नहीं करनी, है ना। बस देखो, एक छोटा सा अनुरोध यही है आप लोगों से, एक छोटा सा अनुरोध यही है कि एक्चुअली क्या होता है कि अपन लोग, जैसे कई सारे लोग होते हैं ना कि जो ईएस का नहीं पढ़े होते, पहले गेट का नहीं पढ़े होते, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि अपन आए और डायरेक्टली न्यूमेरिकल लगाने लगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक सीक्वेंस है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो आप धैर्य रखो, 50-60 घंटे, है ना, इवन 5-6 घंटे धैर्य रखो, 7-8 घंटे धैर्य रखो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं आगे चलने वाला हूँ, ठीक है। तो फेथ रखो और धैर्य रखो, है ना, ठीक है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं कल। थर्ड ईयर के लिए बेटा बात करते हैं आगे, है ना, ठीक है, बाय, मिलते हैं कल।